फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, समंदर और तटीय इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई है। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा, सीमा पार से गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। पटियाला हाउस कोर्ट ने आईजीएस आईएस के सभी 10 संदिग्धों को 12 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा, सभी को दिल्ली और यूपी के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी 29 नवंबर को राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले थे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। संदिग्धों के निशाने पर गणतंत्र दिवस समारोह भी था, दिल्ली का आरएसएस दफ्तर और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भी निशाने पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनआईए की छापेमारी पर जताई खुशी, कहा यह बड़ी कामयाबी है, एनआईए को बधाई देता। महिलाओं पर दारुल अमूल देवबंद का नया फतवा, महिलाओं का बारात में जाना नाजायज करार दिया। पंजाब के मोहाली में ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, महिला ने पति पर लगाया मारपीट और दहेज लेने का आरोप। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना में लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, 26 नवंबर को एक दंपति से छीना था रुपयों से भरा पैक। सिरोही में दूध के टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त, आरोपी चालक से हो रही है पूछताछ। अजमेर एसीबी ने एसएचओ रामलाल चौधरी को 6000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात, चोरों ने ताले तोड़कर 8 से 10 लाख के माल पर किया हादसा। नागौर के श्री बालाजी में 4 जगहों पर चोरी की वारदात, बैंक में रखे नकदी पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गए चोर।